वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग्स। जय माता दी, लेट्स रॉक। आज हम आपके लिए ले आए हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैलेंज, और उस चैलेंज का नाम है टच मी एंड गेस व्हाट इज दिस। मतलब हमें क्या करना है, हमें टच करना है और हमें बताना होगा कि उसका कौन सा बॉडी पार्ट है। आज के ब्लॉग में युग भी मेरे साथ है। एक सेकंड गाइस, अब सही है, अब ज्यादा बेटर है वाइड एंगल पे। एंड गाइस, आज क्या होने वाला है कि हमारा होगा ब्लाइंड फोल्ड, एंड अगेन वी आर डूइंग अ चैलेंज, और उस चैलेंज में बहुत ज्यादा मजा आएगी। युग आओ, आज युग भी है इस चैलेंज में। कैन यू गेस कितनी मजा आ सकती है आज युग? नहीं पता। इसको कुछ पता नहीं रहता है। वैसे तो जब चैलेंज शुरू होगा तभी सबको पता चलेगा कि आज क्या होने वाला है। Oh my God! Wow! So let's go and begin with that challenge, guys! Hooray! Guys, यहाँ पे लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, बट हाँ जी, यहाँ पे अब सही हो जाएगा धीरे धीरे। आप लोगों को थोड़ा फेस मेरा ब्लैक दिख रहा होगा, अभी सही हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि मैं एकदम लाइट के एकदम बगल में बैठा हूँ। अब आप लोगों को थोड़ा सा दिख रहा होगा सही से। एक सेकेंड, अभी सेट करता हूँ मैं कैमरा को। अब आप लोगों को थोड़ा सही दिख रहा होगा। गाइज, आज हम लोग करेंगे ब्लाइंड फोल्ड, लेट्स सी चैलेंज, है ना। हमें गेस करना है, जैसे कि मेरी ब्लाइंड फोल्ड होगी, ये अपना मेरा हैंड कहीं पे इसके यहाँ पे चेहरे पे ले जाएगा, और फिर इसको पता चल जाए, मतलब ये मुझे बताना होगा कि इसका कौन सा बॉडी पार्ट है। यही है आज का चैलेंज गाइज। तो चलिए से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उसके बाद चैलेंज शुरू करते हैं हम लोग। लेट्स गो, अब हम लोग चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तब तक मैं ब्लाइंड फोल्ड हो जाता हूँ गाइज। गाइज, अभी मैंने इतना कर लिया है, मतलब मुझे अभी अपने आईज तक लाना है, और यू मेरी फिंगर को अपने किसी भी बॉडी पार्ट पे टच कराएगा, और आई हैव टू गैस कि मेरे, और फिर अगर मैंने सही गैस कर लिया तो मेरे पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, अगर मैंने गलत गैस करा तो मेरे पॉइंट्स घट जाएंगे। तो लेट्स बिगिन। हाँ जी गाइस, अब मैं अपना ये देख सकते हो ब्लाइंड फोल्ड को एकदम बहुत ज़्यादा नीचे ले आ रहा है। देखो, अभी तो यहाँ पे था, अब मुझे सीरियसली कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि चीटिंग अगर करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगी। अब लेट्स बिगिन। ये लो यू, अभी अब मेरी फिंगर को अपने कहीं पे भी लगाएगा। आई डोंट नो डैट कहाँ लगा रहा है। लगाओ। लगा लिया। नहीं, मुझे समझ नहीं आया। लगाया गया लिप्स। यस, हुर्रे, गाइस, मैंने लिप्स गेस कर लिया है, और आई एम द विनर ऑफ द राउंड। एंड गाइस, इसको लग रहा था कि ये जीत जाएगा। एक मिनट, मैं भी अभी गेस करूंगा तभी। हाँ, तो ये गेस करेगा, अब इसकी चांस है गेस करने की। इसको ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं तब तक। हेलो गाइस, इसको मैंने ब्लाइंड फोल्ड कर दिया है। अब आप लोगों को थोड़ी सी लाइट शायद आ रही होगी। अब मैंने इसको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया है, अब मैं इसकी फिंगर अपने कहीं पे टच कराऊंगा, अपने कोई से बॉडी पार्ट में। अब देखते हैं कि ये क्या करता है। दिख तो नहीं रहा कुछ? नहीं। पक्का? नहीं। एक सेकेंड, क्या है ये? आईब्रोज। क्या है? एक मिनट रुको, मैं डाल लूं। ये आईब्रोज। हाँ। ओह माय गॉड। तो गाइस, इसको भी इसका पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि इसने आईब्रोज सही कहा, तो इसको हम पॉइंट दे देते हैं। अब चलते हैं, फिर से मैं ब्लाइंड फोल्ड लूंगा। गाइस, अब शुरू होता है राउंड टू। गाइस, ये देख सकते हो कि मैंने अपने आप को ब्लाइंड फोल्ड कर लिया है, अब ये मेरी फिंगर अपने पे टच कराएगा। मैं और कर लेता हूँ, मुझे अब कुछ नहीं दिख रहा रियली। लो यो, कहाँ टच कराएगा यार ये? कहाँ टच कराऊंगा, सोचते हैं। कराओ अब। क्या क्या था ये अजीब? आई हाय, क्या है? चलो बताओ बताओ बताओ। ये है नोज। नहीं तो इयर्स। ओ माय गॉड गाइस, मैंने नोज, इसको मुझे लगा है नोज है, बल्कि ये है इसकी इयर्स,
और ईयर्स का पता है कौन सा पार्ट टच कराया, ये जो सबसे डेलिकेट पार्ट होता है उसको टच कराया इसने। तो गाइस बहुत ज्यादा टफ था एंड मैं हार चुका हूँ क्योंकि ये न्यूब है, मैं प्रो हूँ जैसे कि आप सभी को पता है। ये अपने आप को बहुत ज्यादा प्रो समझता है बल्कि ये नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब सुनो गाइस, इसके हो चुके हैं 2 पॉइंट्स, मेरे हो चुके हैं 1 पॉइंट। अब चलते हैं आगे 2 पॉइंट मतलब सेकंड राउंड के, इसका ही अब बारी है, लेट्स गो। हाँ जी गाइस, अब मेरी बारी है। अब मैं इसकी फिंगर अपने कहीं पर टच कराऊंगा, अपने किसी बॉडी पार्ट में। अब आप लोगों की मैं थोड़ी क्लोजर लुक दे देता हूँ कि मैं कहाँ टच करा रहा हूँ। अरे रुक जाओ और कराने तो दो। नहीं, बस मेरे को पता चाहिए क्या है। टीथ। क्या है? टीथ, टूथ, टीथ, टूथ एक ही है यार। ये फिर जीत चुका है एक बार, इसको मिल गए 3 और मुझे गाइस ये फिर जीत गया और मेरा फिर पुपट हो चुका है। Nice. और गाइस अब हम लोग चलते हैं अगले राउंड पे, तब तक के लिए और गाइस जिसके पहले 5 पॉइंट्स होंगे वही विनर होगा। इसके हो चुके 3, मर चुके 1 और तब तक शुरू करते हैं गाइस। युग ने स्टार्ट कर दिया और मेरा ब्लाइंड फोल्ड है। अब ये मेरी मतलब ये मेरी फिंगर अपने बॉडी पार्ट पे टच कराएगा, लेट्स गो कि कहाँ टच कराता है। चलो मैं इसको अपनी फिंगर दे देता हूँ, फिर देखते हैं कहाँ टच कराता है। ये लो यो, एक मिनट थोड़ा आगे आ जाओ। क्या क्या है ये? छी, व्हाट द, गाय ये है तुम्हारी टंग? नहीं तो मेरे हेयर्स। ओ माय गॉड, मुझे लगा है टंग और ये हेयर्स निकले। शिट गाइस, शिट गाइस, ओ माय गॉड, वाओ। इसके हो चुके हैं 4 पॉइंट्स, मेरे हो चुके हैं 1 वनी है, मुझे बस 1 पॉइंट चाहिए। जीत जाएगा गाइस, आई एम फेड अप विद हिम एंड गाइस प्लीज मेरे लिए प्रे करो मैं जीत जाऊं प्लीज। अब इसको ब्लाइंडफोल्ड करते हैं गाइस। गाइस इसको मैंने कर दिया ब्लाइंडफोल्ड, अब हम लोग चलते हैं इसकी फिंगर को अपने किसी भी बॉडी पार्ट में टच कराने के लिए। तो लेट्स गो गाइस, मैं अपना कैमरा सेट कर देता हूँ, अब फिर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। आप लोगों को थोड़ा फेस मेरा ब्लैक आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे लाइट है, दैट्स व्हाई। अब चलो मैं अपने नेम से नाम जान, ठीक है? ओके, सो लेट्स, ही इज गेसिंग गाइस, क्या है बताओ। मैं विनर हो चुका हूँ, मुझे पता चल गया है गाइस, ये कह रहा है कि विनर हो चुका है और इसको पता चल गया तो है क्या बताओ, तो कब तो विनर होगे? नेल्स? यस। ओ माय गॉड गाइस, इसे पता चल गया कि मैं नेल्स में लगाने वाला हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था तब शायद इसको पता चल गया या फिर इसको टच से पता चला। जो भी हुआ हो ये सर जीत चुके हैं। एंड गाइस आज का व्लॉग आई होप आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो। चलो ये साबित हो गया कि यही है प्रो भाई साहब। बट हाँ जी गाइज, मैं भी बहुत बड़ा वाला प्रो हूँ, आप लोगों को पता है मैं बहुत बड़ा वाला प्रो हूँ। अब आप लोगों को लाइट सही आ रही होगी, है ना गाइज? अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन ज्यादा प्रो है, कौन नूब है। एंड गाइज आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो। अगर आप पूछते हो मैं क्यों कहाँ बैठा हूँ, तो मैं बैठा हूँ अपने फिर से ऊपर। और चलो मैं आप लोगों को थोड़ा नीचे का लुक देता हूँ, अगर मैं ऐसे लेटूँ तो नीचे का लुक मुझे इतना डरावना लगता है ना, रुक जाओ एक सेकेंड, टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी डेंजरस। ओ माय गॉड गाइस, इतना ज़्यादा डर लगता है ना यहाँ से। अब चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ का लुक दे देता हूँ, ये देख ही सकते हो ये मेरे बेड का नीचे का लुक है, बिखरा हुआ है। एंड गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा ही मतलब बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ही ज्यादा। युग कह रहा है कि मैं स्टेयर से नहीं जाऊं, यहीं से जंप कर लूं, ये देखो
यहाँ से जंप करने की कोशिश कर रहा है। एंड गाइस हम लोग का बहुत ज्यादा बेड बिखरा रहता है, देख लो। मैं आप लोगों को टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट कि मेरा और युग का बेड बहुत गंदा रहता है, टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी क्लियर अबाउट दैट। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, ज्यादातर हर बैचलर या फिर हर किड या फिर हर बॉय का ऐसा ही रूम रहता है, सॉरी, है ना। तो हम लोग इस रूम को सही कर लेंगे जल्दी। आपका जैसे, और फिर एक मिनट रुकिए, आपके पास जैसे जैसा मतलब आपका जैसा रूम है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हाँ, आप लोग का जैसा रूम है आप लोग कमेंट सेक्शन बताना। इफ मैं कमेंट सेक्शन ओपन कर पाया तो, आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि मेरा कमेंट सेक्शन ऑन ही नहीं हो पा रहा है गाइस, सॉरी टू से यू, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा यार। तो मैं करने की कोशिश करूंगा। एंड गाइस तब तक के लिए, अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और गाइस चलो कभी मैं आप लोगों को अगर हो सका तो यहाँ से जंप करके बताऊंगा, यहाँ पे स्टेयर्स हैं, यहाँ से जंप करके बताऊंगा ये बालकनी से। तो लेट्स, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो, और होप आपको चैलेंज बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय, टाटा, सी यू।